Dear friends, now we will discuss the exercise number 5. Question is, how will you convert? And here the 7 conversions is given to us. Number 1, ethanoic acid to methanoic acid. Hexane dichloride to 1 amino pentane. Methanol to ethanoic acid. Ethanamide to methanamine. Ethanoic acid to propanoic acid. Nitroethane to diethylamine. And last but least, propanoic acid to ethanoic acid. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी कन्वर्जन के अंदर जो मेन स्टेप आते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो आपको पहले ये याद रख लेने का कि अगर मेरे पास ऐसा ग्रुप है साइनाइड ग्रुप, कौन सा ग्रुप? साइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड ग्रुप का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड ग्रुप गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर उसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होता है LiAlH4 के साथ, जिसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 2H2 के साथ, तो दो हाइड्रोजन इधर आएंगे, दो हाइड्रोजन इधर आएंगे, वी कैन गेट RCH2NH2 प्राइमरी एमाइन। तो दिस टू आर द बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों। हाइड्रोलिसिस होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, और ये नाइट्रोजन यहां से तीन हाइड्रोजन लेके माइनस क्या कर देता है NH3, वी कैन गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज द बेसिक। ये जो बातें हैं वो बारी बारी रिपीट होगी कोई भी कन्वर्जन के अंदर, तो इसको बराबर पहले ध्यान से लिख लो फ्रेंड्स। अब मैं आपको समझाने के लिए जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये लिख दिया आप लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्या बोला गया? इथेनोइक एसिड टू मिथेनेमाइन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, दिस इज अवर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ओके फ्रेंड्स, और पूछा क्या है दोस्तों आपको? मिथेनेमाइन, मिथेनेमाइन मतलब CH3NH2। अब टेक्निकली सोचो फ्रेंड्स कि मेरे को इस शुरुआत में कितने कार्बन दिए हैं, तो 1+1 2, और फाइनल प्रोडक्ट में शेष कितना कार्बन है? एक कार्बन, जिसका नाम है मिथेनेमाइन। तो दोस्तों अगर एक कार्बन कम करने का है तो मेरे पास एमाइड ग्रुप होना चाहिए। हमको पता है ये प्राइमरी एमाइन कैसे बनते हैं दोस्तों, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, अगर आपको याद होगा कौन सा रिएक्शन फ्रेंड्स? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है किसके साथ? Br2+4KOH। दोस्तों हम उल्टा समझते हैं, हम ऐसा नहीं, उल्टा कि ये प्रोडक्ट लाने का इसलिए मेरे पास यहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास कंपल्सरी ये पार्ट होना चाहिए CO। कौन सा? CO। ये है आपका दोस्तों इथेनेमाइन। क्या है फ्रेंड्स? दिस इज योर इथेनेमाइन। ओके, मेरे पास है एसिडिक एसिड, उसमें से मेरे को बनाने का है क्या? इथेनेमाइन। तो यहाँ पे इसके आगे वाला स्टेप क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए CH3COOH, जिसको मैं हिट करूंगा माइनस चला जाएगा H2O। क्या हो जाएगा? माइनस H2O। इसका नाम है आपका अमोनियम एसीटेट। और यहां अमोनियम एसीटेट एसिटिक एसिड में से कैसे बनेगा? तो दोस्तों आई हैव टू गो विद रिएक्शन विद अमोनिया। द नेम रिएक्शन इज अमोनोलिसिस। क्या? अमोनोलिसिस। ये पूरा NH3 यहां ज्वाइंट हो जाएगा, वी कैन गेट अमोनियम एसीटेट। यहां से हीट करो, H2O चला गया इथेनेमाइन, फिर हॉफमैन रिएक्शन करो बराबर, तो मिलेगा क्या आपको? मिथेनेमाइन। यह होगा माइनस 2KBr माइनस K2CO3 एंड माइनस 2H2O। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। अब सोचते हैं सेकंड इक्वेशन के बारे में। तो सेकंड इक्वेशन में क्या पूछा है दोस्तों? हेक्सेन नाइट्राइड CH3 CH2 4 टाइम्स CN।
इसको मैं बोलूंगा हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन मतलब छह कार्बन, एक और चार पांच, और ये छह कार्बन हेक्सेन नाइट्राइल में से बनाने का बोला है क्या, वन एमिनो पेंटेन। ये है आपका वन अमीनो पेंटेन। दोस्तों चेक कर सकते हो आप, यहाँ छह कार्बन है और वहां पे कितने कार्बन है आपके पास, एक कार्बन कम है तो सेम ऐसा ही रिएक्शन करना पड़ेगा। यहाँ दो कार्बन था, दो कार्बन में से एक कार्बन करने के लिए क्या किया, पहले हेमोलिसिस, फिर उसको हीट किया। कभी कभी कोई बुक में दोस्तों दोनों स्टेप साथ में भी दिए हैं, NH3 और नीचे डेल्टा कर दिया तो ये इथेनॉल कैसे सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में। हमने दो अलग अलग समझने के लिए किए, ओके। तो सबसे पहले मेरे को एक कार्बन कम करने का है, आई मस्ट बी रिक्वायर्ड कौन सा ग्रुप, CONH2 ग्रुप। तो इसके ऊपर यहाँ क्या होना चाहिए, CH3 CH2 हाउ मच टाइम्स, 4 टाइम्स CONH2, जिसका नाम है कौन सा, हेक्सेनेमाइड। हेक्सेनेमाइड का कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करूंगा दोस्तों, ये सेम हॉफमैन, ये रिएक्शन होगा किसके साथ, Br2+ 4KOH, Br2+ हाउ मच 4KOH। तो अब इसके आगे वाला स्टेप क्या होना चाहिए, तो आपके आपको अभी पता है इसको मैं अगर हीट करूंगा तो H2O चला जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ CONH2 मेरे पास होना चाहिए क्या, CH3 CH2 हाउ मच टाइम्स, 4 टाइम्स COOH4 बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनियम हेक्सेनोइड, क्या अमोनियम हेक्सेनोइड, ओके। अब दोस्तों मैं इसके ऊपर ये लिख देता हूं क्या, ये वाला अमोनिया रिएक्शन कौन सा, तो यहां पे मेरे पास होगा बाय डिफॉल्ट क्या, CH3CH2 4 टाइम्स COOH, जिसका नाम होगा हेक्सेनोइड एसिड। क्या नाम होगा, हेक्सेन, जिसे हमने यहाँ अलग अलग किए है, मैंने ये दोनों स्टेप यहाँ साथ में लिख दिए, समझ में आया फ्रेंड्स, ओके। और अभी ये न्यूमेरिकल करने से पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, साइनाइड को अगर मेरे को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ले जाने का है, आई हैव टू गो विद हाइड्रोलिसिस। दिस हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस विद 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। क्या होगा, अमोनिया गैस इज लिबरेटेड एंड दिस साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू हेक्सेनोइक एसिड, उसका फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे क्या, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का फिर हीट करेंगे तो H2 निकल जाएगा, वी कैन गेट हेक्सेनेमाइड, और उसका हम रिएक्शन करेंगे, वी कैन गेट व्हाट, वन अमीनो पेंटेन, और माइनस क्या होगा दोस्तों, सेम 2KBr-K2CO3 -2H2O। इस सब कुछ चीज आपको दोस्तों लिखनी पड़ती है, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो बोला गया हेक्सेन नाइट्राइल। नाम क्या दोस्तों, हेक्सेन नाइट्राइल, इज दैट क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, तो मिथेनॉल का मतलब ये CH3OH, और बनाने का बोला क्या, एसिडिक एसिड, क्या ये CH3COOH, जिसका नाम है दोस्तों इथेनोइक एसिड, क्या। तो दोस्तों देखो मिथेनॉल में कितने कार्बन है, एक, और मेरे को बनाने का बोला क्या, एसिडिक एसिड। अभी मैंने आगे वाले कॉन्सेप्ट में भी देखा, यहां पे भी बोला कि अगर साइनाइड ग्रुप होगा उसका हाइड्रोलिसिस से उसको क्या मिलेगा, एसिडिक एसिड। तो सोचो दोस्तों इसके आगे वाला स्टेप कौन सा होना चाहिए मेरे पास, CH3CN, क्या होना चाहिए, CH3CN। CH3CN आएगा कैसे, कहां से आएगा दोस्तों, तो CH3CL में से आएगा, और ये CH3CL ये मिथेनॉल में से कैसे बनेगा, तो वी आर फेमिलियर दैट विद द रिएक्शन ऑफ SOCl2, जिसको बोलते हैं थायोडाइल क्लोराइड। ये SO एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना देगा SO2, एक H एक Cl के साथ रिएक्शन करके बना देगा HCl, और मुझको मिलेगा क्या, क्लोरोमीथेन। क्या मिलेगा, क्लोरोमीथेन, इसका नाम है दोस्तों मिथेनॉल, और मिथेनॉल में से मुझको मिला क्या फ्रेंड्स, क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन का दोस्तों मैं रिएक्शन करूंगा अल्कोहलिक KCN,
पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये KCl के साथ जाके माइनस करेगा KCl, CN यहां जॉइंट हो जाएगा, वी कैन गेट CH3CN, जिसका नाम क्या है बोलो फ्रेंड्स, इथेन। दो कार्बन मतलब इथेन, और पीछे लगा होगा नाइट्राइल, और इथेन नाइट्राइल का फिर बाय डिफॉल्ट हम करेंगे क्या दोस्तों, बोलो नाम क्या है इसका, तो बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। कितना H2O के साथ, 2H2O के साथ क्या लेंगे हम डाइल्यूट H2SO4, तो सीधा माइनस हो जाएगा क्या प्यारे दोस्तों NH3, एंड वी कैन गेट व्हाट इथेनोइक एसिड। तो ये आपके दोस्तों तीन कन्वर्जन हुए, बाकी की बात करते हैं लेकिन पहले इसको आप लिख दो। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस फोर्थ एंड फिफ्थ कन्वर्जन। फोर्थ कन्वर्जन इज इथेनामाइन टू मिथेनामाइन, फोर्थ वाइज व्हाट इथेनामाइन, इथेनामाइन मतलब CH3CH2NH2, और उसमें से बनाने का क्या बोला CH3NH2, इसका नाम है दोस्तों मिथेनामाइन, और ये है आपका इथेनामाइन, मिथेनामाइन, और दूसरा क्या इथेनामाइन। तो दोस्तों ये इथेनामाइन जो है आपके सामने, उसमें कितने कार्बन है दो, और यहाँ पे कितने कार्बन है एक, एक कार्बन कम करने का है। तो दोस्तों उल्टा सोचते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट अपने पास ये होना चाहिए CH3CONH2। ये CH3CONH2 आएगा कहाँ से, तो दोस्तों मेरे पास यह होना चाहिए CH3COOH एसिडिक एसिड। ओके एसिडिक एसिड इसमें से कहाँ से आएगा, तो मेरे पास यह होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए क्या दोस्तों एसिडिक एसिड लाने के लिए क्या करूँगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पास इथेनॉल होना चाहिए CH3CH2OH, क्या इथेनॉल। और इथेनामाइन में से इथेनॉल कैसे आएगा वो अब हम सोचेंगे। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करूंगा नाइट्रस एसिड, कौन सा एसिड नाइट्रस एसिड, तो ये नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन के साथ जाके हो जाएगा -N2, फिर ये H2 एक ऑक्सीजन के साथ जाके हो जाएगा -H2O, हमको मिलेगा सबसे पहले इथेनॉल, क्या मिलेगा इथेनॉल। अब ये इथेनॉल का दोस्तों हम करेंगे ऑक्सीडेशन KNO4-KOH, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, आइदर क्रोमिक एसिड H2CrO4, क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन करेंगे तो सीधा अपने को मिल जाएगा इथेनोइक एसिड। अल्कोहल का सीधा कन्वर्जन किसमें हो जाएगा दोस्तों इथेनोइक एसिड, फिर ये इथेनोइक एसिड में से इथेनामाइड कैसे मिलेगा, तो आगे वाले कन्वर्जन में हम कर चुके हैं कि सबसे पहले रिएक्शन करूंगा अमोनिया और फिर उसको करूंगा हीट, बराबर, तो एक H2O निकल जाएगा और उसको मिलेगा इथेनामाइड, और ये इथेनामाइड का मैं रिएक्शन करूंगा होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, कौन सा होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, रिएक्शन होगा किसके साथ Br2+4KOH, बराबर, तो यहां निकलेगा क्या -2KBr-KuCO3-2H2O, और उसको मिल जाएगा इथेनामाइन। तो फिर से दोस्तों इथेनामाइन का कन्वर्जन किसमें किया इथेनॉल में विद हेल्प ऑफ नाइट्रस एसिड, उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया वी कैन गेट इथेनॉइक एसिड, उसका हाइड्रोलिसिस किया हीट किया तो उसको मिल गया इथेनामाइड, और वो इथेनामाइड का हॉफमैन रिएक्शन करने से क्या मिला इथेनामाइन। इज दैट क्लियर। नाउ फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इथेनॉइक एसिड टू प्रोपेनॉइक एसिड। तो दोस्तों इथेनॉइक एसिड का फार्मूला CH3COOH, दिस इज योर इथेनॉइक एसिड, और बनाने का बोला क्या फ्रेंड्स प्रोपेनॉइक एसिड CH3CH2COOH, ये है आपका क्या प्रोपेनॉइक एसिड। अभी दोस्तों मैंने बोला कि देखो यहां दो कार्बन है और यहां कितने कार्बन है तीन, एक कार्बन बढ़ाने का है तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट
यहाँ पे साइनाइड ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए? साइनाइड। याद रखो अगर एक कार्बन कम हो करने का है तो यहाँ CONH2 ग्रुप होगा तो एक कार्बन कम हो जाएगा, लेकिन एक बढ़ाने का है तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? साइनाइड। साइनाइड ग्रुप लाने के लिए मेरे पास यहाँ पे हैलाइड होने चाहिए। क्या होना चाहिए? हैलाइड। और ये हैलाइड लाने के लिए मेरे पास यहाँ बाय डिफॉल्ट होना चाहिए अल्कोहल। और ये अल्कोहल कैसे बनेगा? इथेनॉइक एसिड। तो हम यहाँ से लिखते हैं दोस्तों, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये रहा आपका इथेनॉइक एसिड। ओके, तो इथेनॉइक एसिड में से दोस्तों अपने को बनाने का है इथेनॉल। तो इथेनॉइक एसिड में से इथेनॉल कैसे बनेगा? रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन किसके साथ होगा? AlCl4 जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 2H2 के साथ रिडक्शन होगा। एक H2O के साथ रिएक्शन करके बना देगा H2O और यहां हो जाएगा क्या दोस्तों? इथेनॉल। यहां हो जाएगा क्या? इथेनॉल। ओके, नाउ इथेनॉल में से इथाइल क्लोराइड कैसे बनेगा? तो यहां पे हम रिएक्शन कर सकते हैं SOCl2 के साथ जिसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। क्या नाम है? थायोनाइल क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये रिएक्शन हम PCl3 के साथ भी कर सकते हैं, PCl5 के साथ भी कर सकते हैं। यह होगा -SO2, माइनस हो जाएगा HCl। कैसे? ये ऑक्सीजन SO के साथ जगह -SO2, एक HCl के साथ जगह -HCl और बाकी रहा Cl, वो यहाँ ज्वाइंट हो गया। अपने को मिल गया क्या? इथाइल क्लोराइड। क्या? अब ये इथाइल क्लोराइड में से साइनाइड डालने का है तो मैं रिएक्शन करूंगा किसके साथ? तो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCl। क्या? अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड फ्रेंड्स। तो ये KCl के साथ जाके माइनस करेगा, KCl और Cl यहां जॉइंट हो जाएगा। इसका नाम होगा क्या फ्रेंड्स? प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल क्यों? क्योंकि यहां तीन कार्बन, इसलिए प्रोपेन और Cl को बोलते हैं नाइट्राइल। और फिर आगे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि साइनाइड को कार्बोक्सिलिक में ले जाने का है तो आई हैव टू गो विद हाइड्रोलिसिस। और ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जब होगा तो किस तरह से होगा दोस्तों? 2H2O के साथ होगा, माइनस हो जाएगा NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वी कैन गेट प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले क्या किया? अल्कोहल का रिडक्शन, सॉरी एसिड का रिडक्शन से अल्कोहल मिला। ये अल्कोहल में से एसोसिएट के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड बना दिया OH का कन्वर्जन Cl में, फिर साइनाइड डाला अंदर KCl ऐड करके और फिर रिएक्शन किया हाइड्रोलिसिस, आई विल गेट व्हाट? प्रोपेनोइक एसिड। दोस्तों आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अगर एक यहां वाले कार्बन बढ़ा देते CH3CH2COOH और अगर हम सेम रिएक्शन करते तो क्या होगा? तो इंस्टेड ऑफ प्रोपेनोइक एसिड हमको यह मिलता एक और CH2 बढ़ जाता तो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके दोस्तों, तो नाउ पहले इसको आप लिख दो फिर हम 6 और 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस 6 एंड 7 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्या बोला? नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल एमाइन। दोस्तों नाइट्रोमीथेन का स्ट्रक्चर देख लो, CH3NO2, इसको बोलेंगे हम नाइट्रोमीथेन। और उसमें से पूछा क्या? डाइमिथाइल एमाइन CH3NH CH3 जिसका नाम है डाइमिथाइल एमाइन। तो दोस्तों यहां क्या करना पड़ेगा? तो आप देख सकते हैं NO2 है और यहाँ NH है, तो बाय डिफॉल्ट मुझको सबसे पहले NH2 ग्रुप लाना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप लाना पड़ेगा? NH2 ग्रुप। CH3NH2 कैसे आएगा? How the CH3NH2 is introduced? तो यहाँ पहले मुझको करना पड़ेगा रिडक्शन। रिडक्शन करूंगा किसके साथ दोस्तों? बोलो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 3H2 के साथ।
तो यहां से दो ऑक्सीजन जाएगा माइनस टू एच टू ओ और दो हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, वी कैन गेट मीथेन एमाइन। अपने को क्या मिलेगा? मीथेन एमाइन। और ये मीथेन एमाइन का क्या करूंगा फ्रेंड्स? अल्काइलेशन। क्या करूंगा फ्रेंड्स? अल्काइलेशन किसके साथ? CH3I के साथ। तो यहां से एक H और आ जाएगा, माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? HI, एंड वी कैन गेट डाइमिथाइल एमाइन। इज दैट क्लियर? ओके। कोई कोई जगह पे दोस्तों लोग दूसरा रास्ता भी करते हैं कि मिथाइल एमाइन मिल गया उसका करते हैं कार्बाइल एमाइन टेस्ट। कौन सा टेस्ट दोस्तों? कार्बाइल एमाइन टेस्ट होता है किसके साथ? क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH। क्या होगा? वी कैन गेट CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C प्लस माइनस, जिसका नाम होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। और उसका रिडक्शन करेंगे सेम LiAlH4 से 2H2। नेम ऑफ द रिएक्शन इज रिडक्शन। तो क्या मिल जाएगा मुझको? डाइमिथाइल एमाइन। इसका नाम होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। नाम क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो दो रास्ते हैं, लेकिन ये आपका शॉर्ट रास्ता है, ये थोड़ा एक और स्टेप ज्यादा होता है। एंड लास्ट वन इज सेवंथ वन। सेवंथ वन क्या बोला गया? प्रोपेनॉइक एसिड टू इथेनॉइक एसिड। थोड़ा ध्यान से देखो दोस्तों, फिफ्थ वन क्या है? इथेनॉइक टू प्रोपेनॉइक, एक कार्बन बढ़ाया। यहां क्या करने का है? एक कार्बन को कम करने का है। तो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख देंगे। ये होगा आपका कौन सा? प्रोपेनॉइक एसिड। और उसमें से बनाने का बोला क्या दोस्तों? एसिटिक एसिड, आइदर उसका IUPAC नेम है इथेनॉइक एसिड। तो ये कैसे बनेगा फ्रेंड्स? तो सबसे पहले ये प्रोपेनॉइक एसिड का मैं रिएक्शन करूंगा अमोनिया के साथ, हीट कर दो इसको, तो क्या मिलेगा? अपने को मिल जाएगा CH3CH2CONH2, जिसका नाम होगा प्रोपेनेमाइड। क्या होगा? प्रोपेनेमाइड। ओके। अब ये प्रोपेनेमाइड का मैं रिएक्शन करूंगा कौन सा फ्रेंड्स? हॉफमान। हॉफमान रिएक्शन होता है Br2+4KOH के साथ। ये CO चला जाएगा, यहां से मिलेगा अपने को CH3CH2NH2, इसका नाम है इथेनेमाइड। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? इथेनेमाइन। ये इथेनेमाइन का कन्वर्जन दोस्तों में नाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहां से ये N के साथ जाके हो जाएगा -N2, ये H2O के साथ जाके हो जाएगा -H2O, बाकी रहा OH, वो यहां आ जाएगा, वी कैन गेट CH3CH2OH, जिसका नाम है इथेनॉल। और ये इथेनॉल का दोस्तों मैं क्रोमिक एसिड H2Cr4 आइदर KMnO4/KOH आगे वाले स्टेप में किया था, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो इथेनॉल का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? इथेनॉइक एसिड में। तो दोस्तों इस तरह से आपको कन्वर्जन लिखने का है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।